सिंह परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे साथ है। जयशंकर जी, संकल्प पत्र में जो वादा था उसका इंतजार किया जा रहा है, बुजुर्ग महिलाओं को फ्री में कब सवारी करने का मौका मिलेगा? आपको बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि जो मैंने संकल्प पत्र में था उस संकल्प पत्र को हमारे विभाग ने उसको गंभीरता से लिया है। और जब अभी हम लोग का प्रेजेंटेशन हो रहा है, अभी हमारा विभाग का नंबर नहीं आया है, हम लोग अभी दो दिन के अंदर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रस्तुतिकरण करेंगे। आपको लगेगा कि संकल्प पत्र में जो चीज़ें थी उसको भी हमारा विभाग उसको ये भी सुनने में आ रहा है कि बसों में अलग से महिलाओं के लिए केबिन बनेंगे और गाँव तक इस बार 5 साल के अंदर परिवहन विभाग को जोड़ा जाएगा, बसें चलेंगी गाँव तक। देखिए, महिलाओं के लिए हमारा विभाग पहले से ही पिंक बस जो है सेवा दे रहा है, और अभी बहुत सारे उसमें मैंने नए नए टेक्नोलॉजी से परिवर्तन कर रहा है। अभी निर्भया जो कांड के बाद हम लोग को कुछ फंड मिले हैं, उसमें जो पैनिक बटन वटन सिस्टम उसमें रहेगा महिलाओं के लिए अपने, तो हमारे विभाग तुरंत जान जाएगा कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है उसको तुरंत वहाँ हेल्प मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको चीज़ें मिलेंगी उसमें। और अभी महिलाओं के लिए भी जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं जो संकल्प पत्र में माननीय योगी जी ने रखा है, उसको भी हमारा विभाग उसको तैयारी कर रहा है कि उनको हम लोग माने फ्री में यात्रा कराएं। इसकी भी है, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन अभी हम लोग का अभी वो नहीं हुआ है, प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, जब होगा तो आपको देखें। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये बताया जाता है कि ड्रिंक मतलब वायोलेट करते हैं रूल्स को, सड़कें भी उस तरह की नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरते भी हैं और उनकी घायल भी होते हैं। देखिए, संख्या तो ज़्यादा उत्तर प्रदेश की रहेगी, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन का हम जब 1/4 1/5 हैं तो हमारा संख्या ज़्यादा रहेगी। लेकिन आप जब देखेंगे कि उसमें जो इम्प्रूवमेंट जो हुआ है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग ने गेन किया। अभी आप देखें कि जहाँ 22,000 मृत्यु होती थी, अब वो मृत्यु दर होकर 19,000 आ गई है। तो आप सबसे यदि आप देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो काम जो हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने किया। धन्यवाद। तो दयाशंकर सिंह, इनका ये कहना है कि दुर्घटनाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश में आबादी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो दुर्घटनाओं को कम से कम कर सके। इसके अलावा परिवहन विभाग महिलाओं को लेकर के जो कुछ योजनाएं संकल्प पत्र में कही गई थी उनको लागू करने के लिए बहुत जल्द कोशिश कर रहा है, और 1-2 दिनों में मुख्यमंत्री के सामने जब प्रेजेंटेशन होगा परिवहन विभाग का, उसके बाद सारी तस्वीर सामने आ जाएगी, क्योंकि 100 दिन के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो वादे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे कर लिए जाएँ।